आनंदपुर गांव में एक बूढ़ी गरीब मटके वाली थी सुमित्रा। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। अम्मा, ये मटका कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा, मैं तो इसके बस 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे। 120 रुपए से ज्यादा अब हम नहीं दे सकते। ठीक है, ले जाओ। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। मटके खरीदने वाले ग्राहक हमेशा भाव ताव करते थे। सुमित्रा की आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही थी। माँ, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? अब क्या करूँ, तू तो देख ही रही है मेरा हाल। एक तो लोग मोल भाव करते हैं, ऊपर से दिन ब दिन मटके खरीदने वाले ग्राहक घटते ही जा रहे हैं। सबको स्टील के घड़े ही चाहिए। अब तू ही बता क्या करूँ, एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरे ब्याह की चिंता सताई जा रही है बेटा। माँ, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने की चीज बेचूंगी, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। खाने की चीज? हाँ माँ, आजकल खाने का व्यापार ही सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर भीड़ ही भीड़ रहती है। वो तो है, पर तू क्या बेचेगी? वो तो पता नहीं, एक दो दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तेरे काम करने पे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर अंजू बहुत खुश थी। शाम को वो बाजार गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसा, भेल, चाइनीज भेल, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ सोचना होगा, जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी हो। अंजू आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल्स के पैकेट देखे। हाँ, मैगी, सबको मैगी पसंद है, और ये सस्ता भी है और जल्दी बन भी जाता है। मैं मैगी ही बेचूंगी। अंजू ने घर लौटकर माँ को बताया। माँ, मैं मैगी बेचूंगी। पर क्या लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था, मैगी के ठेले पे कितनी भीड़ लगी रहती थी। मैं भी मैगी बेचूंगी, हो सकता है हमारे ठेले पर भी भीड़ लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या है, ऊपर से मैगी के ठेले में कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है। हाँ, सुमित्रा ने अंजू को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियां खरीद ले। ठीक है माँ। अंजू ने बाजार से मैगी का डिब्बा, सब्जियां और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स खरीद ली। अगले दिन अंजू ने बाजार के बीचों बीच अपने मैगी का ठेला लगाया। अंजू की एक ओर चाट का ठेला था और दूसरी ओर भेलपुरी का। चाट और भेलपुरी के ठेले वाले अंजू के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। अंजू ने मैगी के पैकेट्स अच्छे से लगा दिए, जिससे ग्राहक उसके ठेले पर आकर्षित हो। कितने की है मैगी? सादा मैगी 15 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। अंजू ने 2 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाया और उस ग्राहक को दे दिया। ग्राहक को मैगी खाता देख कुछ और ग्राहक उसके ठेले पर आए। हमें 2 सादे मैगी देना। मुझे 1 वेजिटेबल मैगी। जैसे जैसे ग्राहक ऑर्डर दे रहे थे, अंजू मैगी बनाए जा रही थी। अंजू का ठेला नया था और आते ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये बात अगल बगल के ठेले वालों से देखी नहीं जा रही थी। वो लोग जल भून रहे थे। बहुत अच्छा स्वाद है गर्मा गर्म मैगी का। धन्यवाद। गरम गरम मैगी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। पहले ही दिन से अंजू की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश थी। अंजू की कमाई देखकर सुमित्रा भी बहुत खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू ऐसी ही हमेशा खुश रहे। अंजू को अच्छा लग रहा था, आखिर वो अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। वैसे भी सुमित्रा ने बहुत कष्टों से अंजू की परवरिश की थी। अगले कई दिनों तक अंजू का मैगी का ठेला अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ अक्सर वहाँ जमी रहती और अंजू की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक दिन की बात है,
अंजू ने ठेला लगाना शुरू किया। धत, मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। अंजू घर की ओर दौड़ पड़ी और यहाँ मौका देखकर उस पड़ोसी ठेले वालों ने उसके बर्तन चुरा लिए, उसकी कढ़ाई और प्लेट्स वगैरह। अब इन चीजों के बगैर कैसे मैगी बनाओगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब अंजू लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखे क्या? हमने नहीं देखा। आपने? हमारे पास समय ही नहीं है किसी और को देखने का। अब अंजू परेशान हो गई। वो घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? अंजू ने सुमित्रा को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट्स खरीदने में वापस पैसे जाएंगे। तभी सुमित्रा का ध्यान मिट्टी की हंडी और छोटे छोटे मटकियों पर पड़ा। पर फिलहाल के लिए तू ये इस्तेमाल कर सकती है। मटकी की हंडी में मैगी बना और इन छोटी मटकियों में ग्राहकों को दे। पर माँ, आज के लिए ये कर ले, कल देखते हैं। ठीक है। अंजू ने वो मिट्टी की हंडी और छोटी मटकियाँ उठाई और वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस बार उसके ठेले में कढ़ाई के बदले मटकियाँ। आज ये क्या नया है? अंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मटका मैगी। मटका मैगी? ये कुछ अलग है, मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। अंजू ने मिट्टी की हंडी में मैगी बनाई और छोटी मटकी में ग्राहक को परोसा। उस ग्राहक ने वो मैगी चखी। वाह, ये तो कमाल है, पहले से भी अच्छा। कई और ग्राहकों ने मटका मैगी की ऑर्डर की। अंजू सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, बेमिसाल, ऐसी मैगी हमने कभी नहीं खाई। ग्राहकों को मटका मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। अंजू समझ गई थी कि मटका मैगी ही उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा था और क्या हुआ? अगले दिन अंजू का ठेला खुलने से पहले ही वहाँ ग्राहक खड़े थे। अंजू ने आते ही काम शुरू कर दिया। अब वो धड़ाधड़ मटका मैगी बनाते जाती और ग्राहकों को परोसती जाती। ग्राहक भी बहुत खुश थे। अंजू की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा भी अंजू के साथ मैगी के ठेले पर काम करने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करते थे। अब सुमित्रा को अंजू की शादी की चिंता नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। सुमित्रा और अंजू बहुत खुश थे, पर वही अंजू के पड़ोसी ठेले वाले बहुत दुखी। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया? वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर भी बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। वैसे ही अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरा करने पे भी भला ही हो जाता है। हम दोनों को कोई और धंधा लगाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। अब यहाँ लोग सिर्फ मटका मैगी खाने आएंगे। अंजू के पड़ोसी ठेले वाले अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गए। अंजू का मटका मैगी दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। उसे कहाँ पता था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया हुआ मटका कमाल कर जाएगा।